उसके बाद अगर हम लोग देखो, अगर हम लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को प्रजातियों को देखते जाएं अलग अलग, तो अलग अलग प्रकार के इंटरनेट सर्विस होते हैं। उनकी क्लासिफिकेशन में अगर देखें तो सबसे पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक्सेस प्रोवाइडर्स होते हैं। एक्सेस प्रोवाइडर मतलब कि ऐसे संस्था जो आपको इंटरनेट को एक्सेस करने में मदद करे, वो आपका इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर होता है। एक सेकेंड होल्ड करना। देखो, ये नाम आपको याद रखना है कि किस किस प्रकार के होते हैं। तो हम लोग एक बोल सकते हैं कि एक्सेस प्रोवाइडर्स मतलब कि जो हमको इंटरनेट एक्सेस को प्रोवाइड करने में जो मदद करे, वो एक्सेस प्रोवाइडर टाइप के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। अब वो एक्सेस कैसे प्रोवाइड करे, मतलब जो भी फाइबर ऑप्टिक्स बिछाते हैं, ठीक है, जो वाईफाई सेटअप करते हैं, एंटीना वगैरह लगाते हैं, टेलीफोन लाइंस बिछाते हैं, वो सब किस प्रजाति में आ जाते हैं, वो सब एक्सेस प्रोवाइडर प्रजाति में। क्योंकि ये कुछ ना कुछ करके, जैसे ये टीयर वन कंपनीज होती हैं जो फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह बिछाती हैं, और टीयर टू भी होती है जो देश के अंदर बिछाती हैं। तो ये सब क्या कर रहे हैं, हम लोगों को एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ चीजें बिछा रही होती हैं, या कोई टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय कर रही होती हैं ताकि हम लोग एक्सेस कर पाए। तो वो सारी जो आपको ऐसा लगता है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय कर रहा है आपको इंटरनेट पहुंचाने के लिए, वो सबको आप एक्सेस प्रोवाइडर कह सकते हैं। एक प्रजाति मेल बॉक्स प्रोवाइडर आईएसपी भी होते हैं, मतलब आईएसपी का एक प्रजाति है, वो है मेल बॉक्स प्रोवाइडर। मेल बॉक्स प्रोवाइडर मतलब ऐसे आईएसपी, ऐसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको एक ऐसी सर्विसेज दें कि आप इलेक्ट्रॉनिक मेल को, या इलेक्ट्रॉनिक मेल डोमेन बोल सकते हैं, जैसे हमारा यार जीसी, जैसे हमारा है @gecbsp.ac.in, ये इस पे हम लोग नॉर्मल अपना जीमेल वगैरह मतलब अपना मेल्स यूज करते हैं इस पे। तो ऐसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो ऐसी सर्विसेज दें कि आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक मेल डोमेन्स को एक्सेस कर पाए, आप उसमें स्टोरेज कर पाए कोई भी मेल बॉक्स या मेल का, तो वो सारे ऐसे प्रोवाइडर को मेल बॉक्स प्रोवाइडर कहते हैं। सब अपना माइक बंद कर दो। देखो, आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा कि मेल बॉक्स प्रोवाइडर किस टाइप के आईएसपी होते हैं, जो आपको मेल या इलेक्ट्रॉनिक या डोमेन को आपको के थ्रू सर्विस देने में मदद करते हैं। उस डोमेन में आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप उसके मेल को एक्सेस कर सकते हैं, वहां पे स्टोर कर सकते हैं चीजों को। तो ऐसे टाइप के सर्विस प्रोवाइडर मेल बॉक्स प्रोवाइडर कहते हैं। जैसे कि आप जीमेल को बोल सकते हो कि ये एक आईएसपी है जो हमको मेल बॉक्स सर्विस देता है, तो ये मेल बॉक्स प्रोवाइडर कहा जाएगा। आप याहू मेल को आप बोल सकते हो, आप outlook.com को आप बोल सकते हो कि ये भी एक मेल बॉक्स प्रोवाइडर टाइप के आईएसपी हैं। सर ओके, एप्लीकेशंस भी तो होते हैं बहुत सारे, तो उनको भी हम लोग बोल सकते हैं। एप्लीकेशन, लेकिन एप्लीकेशन कोई डोमेन को यूज करते होंगे ना, कौन से एप्लीकेशन की बात कर रही हाँ हो? यस सर, जैसे कि जीमेल ही बोल रहे हैं तो वो तो गूगल का होता है ना सर, तो हाँ वैसी। हाँ तो गूगल गूगल का होता है, लेकिन वो गूगल एक कंपनी है, कंपनी बहुत प्रकार की चीजें करती होगी। गूगल तो हर प्रकार की चीजें करती है, वो तो नेटवर्क सिक्योरिटी में भी है, इसमें भी। लेकिन पर्टिकुलरली जो मेल वाले जो फीचर है, जिससे आप मेल एक्सेस कर सकते हो, जिससे आप वहां पे कुछ स्टोर कर सकते हो, क्योंकि हर मेल जो जीमेल में रजिस्टर करता है उसको 15 GB स्टोरेज दिया जाता है। तो ये जो फैसिलिटी गूगल की है वो जीमेल के थ्रू आ रही है। तो इस फीचर को या इस
को आप गूगल को आप बोल सकते हो कि वो मेल बॉक्स प्रोवाइडर भी है जो जीमेल वाला है, याहू मेल का अपना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ये है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन outlook.com जो चलाता है वो आपका मेल बॉक्स प्रोवाइडर है। एक टाइप के आईएसपी होते हैं जिसको उसको बोलते हैं होस्टिंग आईएसपी, जो नाम से समझ में आ रहा है कि आपको कुछ होस्ट करने में मदद करते हैं। मतलब अगर आपको कोई वेबसाइट होस्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो कि वहां पे आप, या कोई ऑनलाइन स्टोरेज करना है, मतलब जैसे अपन क्लाउड स्टोरेज करते हैं कि कोई चीजों को अपन क्लाउड में डाल देते हैं वहां पे, तो आपको वो स्टोर करने की फैसिलिटी देगा ऐसा कोई सर्वर या ऐसा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो उनको हम लोग होस्टिंग आईएसपी कहते हैं। मतलब बस नाम से आपको ये समझ में आना है कि कोई भी चीज जो आपको होस्ट करने में मदद करे, मतलब कोई भी चीज होस्ट, आप वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हो, आप कोई डेटा को, कोई कुछ सर्विस है उसको आप वहां पे होस्ट कराना चाहते हो, तो वो आप सब आप उसको होस्टिंग आईएसपी कह सकते हो। एक टाइप का आईएसपी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिट आईएसपी। ट्रांजिट आईएसपी का मतलब ये होता है कि देखो, कई बार आपको जैसे मैं बताया कि ये जो बड़ा सा नेटवर्क है वो टीयर वन नेटवर्क होता है, टीयर वन से कनेक्शन लेते जाते हैं और बनता है टीयर टू नेटवर्क, ठीक है। ये टीयर वन आईएसपी है बोल सकते हैं, ये टीयर टू आईएसपी है, और ऐसे टीयर टू से सर्विस लेते लेते बनते हैं टीयर थ्री, जो आप तक मान लो पहुंचाते हैं। और यहाँ पे है आपका यूजर, इंटरनेट यूजर, तो वो टीयर थ्री से भी ले सकता है, टीयर टू से भी डायरेक्टली भी ले सकता है, तो ये इंटरनेट वो है। ओके, तो अगर आप देखें ये जो नेटवर्क में ये स्ट्रक्चर बताया, इसमें दो टाइप के हैं। ऊपर में जो है इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम आईएसपी, जो किसी भी नीचे के आईएसपी से ऊपर में रहते हैं, मतलब या टॉप पे हैं जो मौजूद हैं, उसको हम लोग टीयर वन आईएसपी को हम लोग अपस्ट्रीम आईएसपी भी कह सकते हैं। और जो भी अपस्ट्रीम के नीचे होगा, जैसे मान लो टीयर टू के नीचे टीयर थ्री है, तो टीयर टू अपस्ट्रीम बन गया, टीयर थ्री बन गया कॉन्ट्रैक्टिंग आईएसपी, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना, जिस चीज को भी ऊपर अपन बोल रहे हैं जिससे हम लोग कनेक्शन ले रहे हैं, तो वो ऊपर वाला अपस्ट्रीम आईएसपी बनेगा, नीचे वाला कॉन्ट्रैक्टिंग आईएसपी बनेगा, ठीक है। ओके, तो एक्चुअली ये जो ट्रांजिट आईएसपी है वो यही है कि एक की सर्विस को ट्रांजिट करके दूसरे में लेना, मतलब एक पूरा अपना सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा। क्या टीयर वन पूरे इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर सकता है? नहीं, वो टीयर वन अपनी सिर्फ तार जो वो सबमरीन के अंदर या ओशन के अंदर लगा के रखा है, बस उसको देखभाल करने का काम ये करता है टीयर वन, लेकिन वो अपनी सर्विसेज को टीयर टू को बेच देता है। तो ये जो ओवरऑल इंटरनेट जो आ रहा है वहां से फिर टीयर टू में, तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर को ट्रांजिट आईएसपी कहा जाता है, जब अपन इस टाइप के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं जिसमें ऊपर का अपस्ट्रीम रहता है, नीचे का कॉन्ट्रैक्टिंग आईएसपी कहलाता है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट टाइप के आईएसपी को देखें, तो एक है आपका वर्चुअल आईएसपी। वर्चुअल आईएसपी का भी यही कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल मतलब कि जो रियल ना हो। तो देखो, ऐसे आईएसपी जो आपको सर्विस दे रहे हैं, आप यहाँ पे बैठे हो और आपको सर्विस मिल रहा है, लेकिन ये आप बोल सकते हो कि आपके पास जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो वर्चुअली किसी और से पहले सर्विस ले रहा है फिर आपको दे रहा है। अल्टीमेटली क्या हुआ, सिर्फ ये नाम का है ना, ये सिर्फ ऐसे ही नामकरण संस्कार चल रहा है और कुछ नहीं, कि अल्टीमेटली आप टीयर वन से नेटवर्क आया, फिर टीयर वन से आपको टीयर टू, और फिर आपको ये मिल रहा है। आप हो सकता है टिकोना को यूज कर रहे हो तो आपका आईएसपी टिकोना है, लेकिन वर्चुअली आप जो टिकोना जिससे ले रहा है उसको भी तो यूज कर ही रहे हो ना, और ये जो ये टीयर टू है वो भी जिसको यूज कर रहा है उससे भी तो आप ले ही रहे हो ना। तो अल्टीमेटली मतलब रियल कॉन्टेक्स्ट में अपन नहीं बोलते हैं, लेकिन वर्चुअल आईएसपी को इसी तरीके से बोलते हैं कि ये एक ऑपरेशन है दैट परचेसेस सर्विस फ्रॉम अनदर आईएसपी, मतलब जो एक इसको बोलते हैं होलसेल आईएसपी, जो बेचता है अपना सर्विस किसी और दूसरे नेटवर्क को, तो वो बन जाता है होलसेल आईएसपी। तो अ वर्चुअल आईएसपी को अपन ऐसा बोल सकते हैं इज एन ऑपरेशन, ये एक ऑपरेशन है दैट परचेसेस सर्विस फ्रॉम
अनदर आईएसपी, और वो अनदर आईएसपी कौन होगा जो उसको बेचेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे होलसेल आईएसपी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ऐसा कोई भी चीज जो दूसरे से खरीद के आपको दे रहा है, जैसे कि आप ये बोलो कि आपने दुकान गया और दुकान में आपने मैगी खरीद ली, तो क्या वो आपने पैसा तो दुकान को दिया, तो क्या वो जो आप मैगी बना रहे हो वो क्या दुकान का मैगी है? वो एक्चुअली तो नेस्ले कंपनी का है ना एक्चुअली। तो ये वही बात हो गई, वो तो नेस्ले कंपनी से खरीदा है होलसेल में और उसको आपको बेच रहा है, लेकिन वो सिर्फ जो दुकान बेचने वाला है वो सिर्फ एक बोल सकते हो कि वो ट्रांजिट है जो आपके बीच में आ रहा है, असली में तो ये जो आप खरीद रहे हो वो नेस्ले का ही खरीद रहे हो। तो इसी को बोलते हैं वर्चुअल आईएसपी, कि जो आप कहीं और से अनदर आईएसपी, जो होलसेल आईएसपी से चीजें परचेस करके आप तक पहुंचाई जाती है उसको वर्चुअल आईएसपी कहते हैं। ओके, और छठा है इसमें एक प्रजाति जिसको बोलते हैं फ्री आईएसपी। फ्री आईएसपी का मतलब ये है कि ऐसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट की सर्विस देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उन आईएसपी को बोलते हैं फ्री आईएसपी। जैसे कि कई लोग ऐसा होता है एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए इंटरनेट सर्विस आपको देते रहते हैं ताकि उनका एडवर्टाइजमेंट हो सके। कभी सुने हो क्या नाम? कभी कभी आप लोगों को ध्यान में होगा कि रेलवे स्टेशन वगैरह में गूगल और बड़े बड़े कंपनियां अपना वाईफाई सर्विस देते हैं आधा घंटा एक घंटा फ्री में, ऐसा सुने हो क्या? यहाँ पे बिलासपुर में भी वो वाला जो है ना जहाँ पे रेलवे, हाँ 30 मिनट्स और एक एक घंटे ऐसे कुछ भी रहता है, फिर उसके बाद फिर एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, तो ये सारे जो आईएसपी है उनको फ्री आईएसपी कहा जाएगा क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं। वो एडवर्टाइजमेंट पर्पस हो सकता है, वो मतलब सेवा हो सकती है कि एक सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो कुछ भी अपन बोल सकते हैं। और सातवा एक प्रजाति है जिसको हम लोग लास्ट देखते हैं, वो है आपका वायरलेस आईएसपी। मतलब देखो इंटरनेट सर्विस तो किसी भी तरीके से दे सकते हैं, आपको केबल के थ्रू भी दिया जा सकता है, आपको ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू मतलब कॉपर केबल के थ्रू भी दिया जा सकता है, आपको ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू दिया जा सकता है, आपको एंटीना के थ्रू भी, वाईफाई के थ्रू भी दिया। तो ये जो वायरलेस टाइप का जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाले होते हैं, ऐसे नेटवर्क जो आपको वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको वायरलेस आईएसपी कहा जाता है। अब आपको मालूम है कि कुछ कुछ ऐसे फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं जो ओपन होते हैं, जिसमें आप अनलाइसेंस की तरह यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर याद होगा मैं वायरलेस वाईफाई टेक्नोलॉजी 2.5 था कि 2.4 था, 2.5 गीगाहर्ट्ज था सर, उसी के आसपास है, 2.4 2.5 के आसपास वो आप ओपन यूज कर सकते हो। जैसे 5 गीगाहर्ट्ज में बोला था तो 4.9 गीगाहर्ट्ज भी आप बोल सकते हो, 4.9 से 5 गीगाहर्ट्ज, ये सब ओपन फ्रीक्वेंसी बैंड है जिसमें आप अनलाइसेंस यूज कर सकते हो। इवन आप 900 मेगाहर्ट्ज में भी यूज कर सकते हो, ये ऐसे ओपन फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं। और कुछ लाइसेंस में भी वायरलेस वाले यूज करते हैं जिसमें लाइसेंस उनको लगता है वो खरीदते हैं, जैसे कि अगर आप देखो 3.65 गीगाहर्ट्ज की अगर आप बात करोगे, वैसे 2.5 गीगाहर्ट्ज को जहां मैं जिससे पढ़ा हूं उसमें लाइसेंस लिखा हुआ है, तो एक बार चेक कर लेना कि 2.5 गीगाहर्ट्ज ओपन है कि नहीं, क्योंकि 2.4 तो मालूम है क्योंकि हमारा वाईफाई 2.4 और 5 पे ही काम करता है, तो एक बार 2.5 को चेक कर लेना कि ये लाइसेंस, मेरे हिसाब से तो जिसमें मैं पढ़ा हूं उसमें तो लाइसेंस वर्जन लिखा हुआ था इसका, ठीक है। ठीक है, तो क्या ये आप लोगों को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की क्या अंडरस्टैंडिंग है और कितने प्रकार के होते हैं? अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ वो है कि कितने प्रकार के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के कनेक्शन हो सकते हैं, मतलब आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाला है वो आपने। आपको क्या बता रहा था मैं, हाँ तो आपको कनेक्शन प्रोवाइड करने वाला है, तो कनेक्शन प्रोवाइड करने से पहले ये दो चीज क्लियर है क्या, किसी को कोई डाउट? सर हाँ बोलो। ये जो आई मतलब फ्री बैंड है जो थोड़े बैंडविड्थ का, इसको गवर्नमेंट लाइसेंस करके क्यों नहीं यूज करती? उससे तो गवर्नमेंट के पास ही पैसा आएगा। कौन से वाले? ये छोड़िए ये वाले,
सर लास्ट वाले में हाँ ओपन हाँ यही फ्रिक्वेंसी का जो भी है इसमें। हाँ हाँ उसको इसलिए क्योंकि कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसा होता है कि अभी मान लो मेरे को अपने घर के अंदर वाईफाई में यूज करना है, किसी को डेटा ट्रांसमिट करना है, तो मैं लाइसेंस लेने जाऊंगा क्या, कितना परेशानी हो जाएगा। मतलब हर इंसान को लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए वो कुछ फ्रीक्वेंसी को छोड़ रखा है कि भैया ये फ्रीक्वेंसी आप अपने पर्पस के लिए यूज कर लो, लेकिन पूरा का पूरा बैंडविड्थ ना यूज करो, वो फिर गवर्नमेंट का डेटा है। लेकिन कुछ चीज, अब जैसे माइक्रोवेव ओवन आपको घर में यूज करना है, वो भी 2.4 GHz में काम करता है, तो अब उसको चलाने के लिए आप लाइसेंस लेने जाओगे क्या कि भैया मेरे को दे दो, मैं अभी सब्जी गर्म करना चाहती हूँ, तो वैसा तो नहीं हो सकता ना। इसलिए कुछ फ्रीक्वेंसी को ओपन छोड़ा जाता है। यस सर। और कोई चलो, तुम लोगों को आई होप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर समझ में आया होगा। अब मैं आपको ना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का कनेक्शन आपको बताना चाहता हूँ कि वो इंटरनेट आपको सर्विस देंगे तो किस किस टाइप का कनेक्शन लगा के कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक 5 मिनट का छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि जिसमें आपको कुछ कनेक्शन के बारे में बताएगा, ठीक है? तो देखो, अब हम लोग क्या बात करने चाह रहे हैं कि टाइप्स ऑफ ISP कनेक्शन, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के कनेक्शन होते हैं उस पे हम लोग डील करने जा रहे हैं। तो ISP कनेक्शन में क्या है, देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये आपके मेनली डिपेंड करता है कि आप किस एरिया पे रहते हो, आप जिस एरिया पे रहते हो उसमें ISP किस टाइप का कनेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, वो आपके एरिया पे डिपेंड करता है। तो उसमें आपको मैं सबसे पहला एक तरीका एक टाइप बताता हूँ जिसको बोलते हैं डायल अप। डायल अप कनेक्शन आप लोग सुने होंगे, कभी देखे हैं लैपटॉप या कंप्यूटर में कहाँ पे होता है? कोई देखा, कोई बता सकता है? सर जब नया नेटवर्क कनेक्शन जोड़ते हैं तब वाईफाई का ही होता है सर, वाईफाई वाले नहीं होते नीचे साइड में। एक सेकेंड, किधर गया? ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स में अगर अपन जाते हैं तो आपको दिखेगा, किधर गया, नेटवर्क प्रॉपर्टीज डायल अप, यहाँ दिख रहा है क्या लेफ्ट हैंड साइड पे कितने प्रकार के कनेक्शन हो सकते हैं? एक तो आपको हवे में वाईफाई मिल जाए, आपको इथरनेट कनेक्शन मिल जाए, और या तो आपको डायल अप कनेक्शन मिल जाए, और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी होता है, ठीक है? ये सारे टाइप के अलग अलग कनेक्शंस हैं जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। दिख रहा है ना सबको? मेरी आवाज जा रही है? यस सर, दिख रहा है। देख हाँ ओके। तो अगर हम लोगों को जब डायल अप में जाना होता है तो सेटअप अ न्यू कनेक्शन में अगर हम लोग गए तो यहाँ पे पूछता है कि अपन वर्क प्लेस में है या फिर अपन कोई नया नेटवर्क सेटअप करना चाहते हैं, ठीक है? इसकी मैं आपको कहानी बताता हूँ कि डायल अप कनेक्शन कैसे काम करता है। डायल अप कनेक्शन का ये कॉन्सेप्ट होता है कि या तो आप मान लो कंप्यूटर चला रहे हो, ठीक है, ये आपका मान लो कंप्यूटर है, इसमें आप कुछ कुछ चलाना चाहते हो, इंटरनेट चलाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे कि नाम में है डायल करना, मतलब किसी एक नंबर पे डायल होगा और वहां से आपको इंटरनेट मिलेगा। तो आप क्या कर रहे हो, आपका एरिया में मान लो डायल अप कनेक्शन आप लगा पा रहे हो, आप बाकी कनेक्शन नहीं लगा रहे हो क्योंकि ये थोड़ा डायल अप कनेक्शन चीप होता है, आप सस्ते में जाना चाह रहे हो और आप डायल अप कनेक्शन लगा रहे हो, तो आप क्या करोगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को बोलोगे भैया मेरा डायल अप कनेक्शन मेरे को सेटअप करके दे दो किसी भी हाल में। तो वो क्या करेगा, आपके जब आप सेटअप न्यू कनेक्शन में जाओगे तो आपको बोलेगा कि आप एक फोन नंबर पे आप वहां पे डायल करिए, मतलब आपको फोन नंबर पे डायल नहीं करना है, वहां पे जब आप यहाँ पे कनेक्शन पे जब वहां पे सेटअप न्यू कनेक्शन है तो वहां पे बोलता है कि आप अगर दिखेगा तो शायद दिखेगा, एक सेकेंड देखते हैं सेटअप नहीं करें। अभी मेरा इंटरनेट से कनेक्टेड है इसलिए वो शायद यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड दिखा रहा है, बट आ जा,
चलो ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। आप ये कॉन्सेप्ट समझो, इसको हटा देते हैं अभी। आप इस कॉन्सेप्ट को समझो कि यहाँ पे जब अपन जिस यूजर इंटरफेस में मैं जा रहा था, उसी उसमें वो एक आपको डायल करने के लिए एक जगह देता है, एक नंबर देता है कि आप इस नंबर पे डायल करो। ये नंबर पे जब डायल करोगे ना, तो क्या होगा कि आपका जो रिक्वेस्ट जाएगा वो पास वाले आपके सर्विस या आपके नेटवर्क के पास जाएगा कि आपको ये कनेक्शन चाहिए। मतलब आपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को बोल दिया कि मेरे को डायल अप कनेक्शन चाहिए, वो आपको बोल दिया कि भैया जब कभी भी आपको इंटरनेट चाहिए होगा, आप क्या करना, *99# पे आप वहां पे डायल अप कनेक्शन में आप क्लिक करना और वहां पे डाल देना *99#। वो अपने आप सर्विस मांगेगा अपने सबसे पास वाले उस पे जहाँ पे उसका सर्विस प्रोवाइडर होगा। अगर उसको वहां पे वो बिजी है और वो दूसरों का भी सर्विस दे रहा है, तो क्या करेगा, दूसरे को जो भी पास में है उसको भेज देगा। और ये टोटल जो अपना एंटीना है वो ट्रांसमिट करते जाएगा, अगर ये बिजी होगा तो नेक्स्ट को, फिर नेक्स्ट को, और अल्टीमेटली उसको जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, जिसको आपने बोला था, जिस कंपनी को बोला था कि मेरे को चाहिए। और आपने डायल किया है ये नंबर को, जो आपको ये नंबर दिया है, या कोई भी नंबर हो सकता है, अलग अलग नंबर देते हैं। तो ये जैसे ही इस नंबर पे रिक्वेस्ट आया कि भैया इस पर्टिकुलर बंदे को इंटरनेट की सर्विस की डिमांड है, तो फिर वो इंटरनेट सर्विस आपको उसी नंबर पे प्रोवाइड कर देगा। तो अल्टीमेटली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप सिर्फ डायल करो और इंटरनेट की सुविधा उठाओ, ठीक है, अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की मदद से। तो अगर मैं सर, इसको शब्द, हाँ बोलो, ये डायल अप कनेक्शन के लिए हर एक यूजर के लिए अलग अलग नंबर होता होगा या फिर एक ही में सब यूज कर सकते हैं? अब वो तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देगा। मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं पता कि सबको, हालांकि मैं जितना अभी तक सर्च किया उसमें *99# ही सबसे ज्यादा यूज होता है, और मैं कभी डायल अप कनेक्शन पर्टिकुलरली यूज किया नहीं हूं, तो मेरे को भी एग्जैक्टली नहीं पता कि कोई यूज किया है क्या अपने क्लास में अभी डायल अप सर वही कनेक्शन को। रहता है हाँ शायद तक सर, मैं भी यूज किया तो उसमें *99# यूज करना पड़ता है हाँ 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 बीएसएनएल में। वही। सर सर इसको जगह कैसे साथ यूज कर सकते हैं? कि आपको अपने ISP से बात कर, जैसे BSNL कनेक्शन है तो BSNL वाले से आपको बात करना होगा कि भैया मेरे को डायल अप चाहिए, फिर वो आपको ये नंबर देंगे और बोलेंगे कि आप इस पे, मतलब आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आप जब तक सर्विस नहीं लिए हो उससे, तब अगर आप *99# करोगे तो आपको कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने उससे तो सर्विस लिया ही नहीं है। लेकिन आप जब सर्विस ले रहे हो, तब वो आपको इंटरनेट सर्विस देना शुरू करता है। मतलब अभी अगर मैं आपको बताऊं कि डायल अप कनेक्शन एक सिंपल एक कनेक्शन है, सिंपल एक कनेक्शन है जो कि रेगुलर फोन लाइन के थ्रू कनेक्ट होता है। जो आपका फोन लाइन है ना, आपके घर में मान लो एक फोन, BSNL से आपने इंटरनेट की डिमांड की, तो BSNL क्या करेगा, आप तक एक वायर पहुंचा देगा, जो नॉर्मल फोन लाइन की वायर होती है उसी में आप कनेक्शन, और आपको वो वायर के थ्रू आपके पास कंप्यूटर में रहेगा। आप जैसे ही बोलोगे फिर या डायल अप कनेक्शन करोगे तो वो रिक्वेस्ट जाएगी और फिर वो रेगुलर, लेकिन ध्यान रखने की बात है कि ये रेगुलर फोन लाइन में ही होता है। और आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि वो जो फोन लाइन है वो आपके घर में क्या होता है, आपके मॉडेम के साथ कनेक्टेड होता है। आपके घर में एक मॉडेम लगा दिया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, वहां से एनालॉग सिग्नल आ रहा है, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मॉडेम को फिर इस तरीके से कॉन्फिगियर किया जाएगा कि जब कभी भी वो एक स्पेसिफिक नंबर डायल करता है तो मॉडेम तुरंत वो रिक्वेस्ट फोन लाइन के माध्यम से आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तक पहुंचाता है कि मेरे को इंटरनेट चलाना है करके। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये एक फोन लाइन को यूज करता है, उसी फोन लाइन में एक टाइम पे या तो फोन पे ही बात हो सकती है या तो इंटरनेट ही चलाया जा सकता है, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, कोई एक एक टाइम पे हो सकता है। ये डायल अप कनेक्शन की प्रॉब्लम है। ये अगर आप देखो तो ये स्लो फॉर्म है, क्योंकि अगर कोई फोन में बात कर रहा है तो उसका इंटरनेट तो रुक ही जाएगा। बड़ा मतलब एक प्रकार से आप बोलें तो स्लो फॉर्म, स्लोवेस्ट बोल सकते हैं आप, स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनेट कनेक्शन है। अगर आप इसका स्पीड देखें तो पहले तो 56 KBPS तक ही बस चलता था। सोचो अगर आपको कोई फोन मतलब इमेज भेजना है, वीडियो भेजना है, तो आप इतने स्पीड में, अभी तो ये थोड़ा सा और बढ़ गया है, 110 KBPS तक ये जाता है इसका स्पीड। लेकिन ये सबसे स्लोएस्ट फॉर्म है, इसीलिए इसको अधिकतम लोग यूज नहीं करते। लेकिन ये बिल्कुल चीपेस्ट फॉर्म है, इसलिए अगर कहीं पे आपको ज्यादा इंटरनेट
की जरूरत नहीं है और आपको सस्ते में निपटाना है, तो आप कंपनी को बोलो, BSNL जैसी कंपनियों को बोलो कि मेरे को डायल अप कनेक्शन करना है, वो बढ़िया आपके फोन लाइन बिछाएगा, आपको एक मॉडेम परचेस करवाएगा और मॉडेम में लगा देगा, और फिर आपके कंप्यूटर तक रहेगा कि जब भी आप डायल अप करोगे तो वो आपको सर्विस दे देगा। ये क्लियर है क्या? यस सर। दूसरा टाइप का जो कनेक्शन है जिसकी अभी हम लोग बात किए या वीडियो में देखे, वो है आपका डिजिटल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसको हम लोग DSL या आम भाषा में हम लोग अगर बोले तो नॉर्मल ब्रॉडबैंड कनेक्शन हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, ब्रॉडबैंड। इसका क्या मतलब होता है कि देखो, ये भी एक्चुअली यूज करता रहता है आपका टेलीफोन, जो फोन लाइन्स है ना उसी को यूज करता है। अभी अब अगर आपको वीडियो को रिकॉल करोगे तो आपको ध्यान होगा कि DSL भी नॉर्मल फोन लाइन्स को, जो आपका रेगुलर फोन लाइन्स है, उसी को इस्तेमाल करता है। लेकिन इसमें खास बात ये होती है कि इसका फोन लाइन में ही ऐसा, जैसे मान लो ये फोन लाइन है, इस ये कनेक्शन है फोन लाइन के कनेक्शन में, ये इसकी मतलब, हालांकि ये जो फोन लाइन है ये भी चेंज होती है, ऐसा नहीं है कि वही फोन लाइन तो अलग अलग हो सकती है ना। तो इसमें जो फोन लाइन यूज होता है वो, उसकी बैंडविड्थ एक तो ज्यादा होती है, क्योंकि नाम में ही छुपा है ब्रॉडबैंड, मतलब बैंडविड्थ को ब्रॉड कर दिया गया है। और इसमें क्या किया गया है, 70%, जो मान लो ये रास्ता इतना चौड़ा रास्ता है, तो उसमें जो 70% जो रास्ता है उसको इंटरनेट के लिए असाइन कर दिया गया, और 30% जो बैंड है उसको फोन के लिए असाइन कर दिया गया। क्योंकि फोन लाइन जनरली अपन दूर दूर तक बात करते हैं, तो वो 30% वाले बैंडविड्थ में आराम से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बाकी का 70% है इसको इंटरनेट के लिए यूज किया गया। इस टेक्नोलॉजी से ये हुआ कि दोनों काम एक साथ हो सकता है, मतलब अगर फोन यूज करना है तो फोन भी और इंटरनेट तो इंटरनेट भी। अब इसमें DSL में दो प्रजाति हैं, मतलब है तो VDSL भी, लेकिन अभी आप दो को पढ़ो, एक है आपका ADSL और एक है आपका SDSL। इसका मतलब होता है एसिमेट्रिक, और इसका मतलब होता है सिमेट्रिक DSL। एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक में अंतर इतना ही होता है कि जो अपलोड है और डाउनलोड की जो स्पीड होती है उसमें कोई फर्क है क्या। अपलोड इक्वल टू डाउनलोड अगर अपन करें तो वो है आपका सिमेट्रिक, मतलब दोनों की जो स्पीड है वो बराबर है। जैसे अगर अपन बैंडविड्थ की बात करें तो देखो, 70% इंटरनेट अगर है तो मान के चलो कि इसमें आप 50% अगर डाउनलोड के लिए दिया जाए और आपको सिर्फ 20%, मतलब ये 70% का 50%, मतलब ये टोटल 70% है पूरे का, तो पूरे का 50% सिर्फ डाउनलोड के लिए यूज किया जाए, 20% अपलोड के लिए यूज किया जाए, इस टाइप के कनेक्शन को बोलते हैं ADSL। और अगर अपन पूरा 70 है तो 35-35 अपन बांट दें तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक DSL। मोस्ट कॉमनली जो हम लोग यूज करते हैं आम पूरे उसमें, वो हम लोग ADSL ही यूज करते हैं। 99% लोग ADSL यूज करते हैं, क्योंकि ADSL का कॉन्सेप्ट यही है कि डाउनलोड ज्यादा होना चाहिए, अपलोड कम होना चाहिए, उसकी स्पीड हो या बैंडविड्थ हो, ये उस पर डिपेंडेंट है। अब क्योंकि हम लोग जनरली चीजों को डाउनलोड ही करते हैं, अपलोड की हमारी क्षमता कम रहती है, इसलिए ADSL ही जनरली यूज होता है। आपको इसमें ध्यान ADSL में यही देना है कि ये जो फोन लाइंस को यूज करता है, इसमें दोनों साथ में यूज हो सकते हैं, फोन भी और आपका इंटरनेट भी। और ये बाकियों से अच्छा क्यों है, मतलब डायल अप कनेक्शन से अच्छा क्यों है, क्योंकि दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं, और इसकी जो बैंडविड्थ है, मतलब ज्यादा कैरिंग कैपेसिटी इसकी बढ़ गई है, तो आप इसको आराम से DSL को बोल सकते हो कि ये फास्टर होता है कंपेयर टू आपका डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन से ये फास्टर देन डायल अप कनेक्शन। ठीक है, ओके, ये क्लियर है क्या सबको? हाँ, यस सर। एक बार बता दें। एक बार और बता देता हूं कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो हम लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन बोलते हैं, वो क्या होता है कि आप
कि घर में एक डब्बा रख दिया जाता है। अगर इसको मैं आपको एक डायग्राम, चलो एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ कि लेट सपोज आपको, आपने अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोला है MTNL को। MTNL जानते हो ना, BSNL का दूसरा वर्जन, महानगर टेलीकॉम नगर लिमिटेड करके है, निगम लिमिटेड जो भी, MTNL, इसको आपने बोल दिया या BSNL आपने बोल दिया कि भैया मेरे को ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए आपकी कंपनी का। उसने बोला ठीक है भाई, मैं आप तक एक, आपके घर तक एक वायर पहुंचा देता हूं, बढ़िया ठीक है। ये वायर पहुंच गया, अब वो क्या किया, आपके घर तक नहीं, आपके घर के बाहर हो सकता है कि आप ही के कॉलोनी में या आपके आसपास कोई इसका पहले से कनेक्शन यूज कर रहे हो, तो जबरदस्ती वहां तक कनेक्शन तो पहले से पहुंचा हुआ है, तो वो वहां पे ना एक काम करता है, वो एक डब्बा लगा देता है जिसको बोलते हैं स्प्लिटर। स्प्लिटर में ऐसे क्या है, बहुत सारे ऐसे पोर्ट होते हैं जिसमें आप कनेक्शन डाल सकते हो, तो हो सकता है कि उस कॉलोनी में बहुत 3-4 लोग यूज कर रहे होते हैं, तो उसी से वो आगे का कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, तो उसको बोलते हैं स्प्लिटर। स्प्लिटर लेकिन ये मल्टीपोर्ट स्प्लिटर होता है जिसमें बहुत सारे पोर्ट होते हैं। अब ये स्प्लिटर से आपका जब ये कनेक्शन जाता है तो आपके घर में भी एक ठोक स्प्लिटर लगा रहता है, जिसमें अगर आप घर में अपने कनेक्शन देखोगे, आजकल घर में कॉलोनाइजर लोग लगा के देते हैं, वो 2 पोर्ट स्प्लिटर होता है, 2 पोर्ट, उसमें आपका टेलीफोन लाइन का भी कनेक्शन रहता है, अगर आप ध्यान दोगे ऐसे गोल सा रहता है, और आपको यहाँ पे इंटरनेट के लिए भी ऐसा छोटा सा जगह दिया रहता है। अब क्या करोगे, एक को आप क्या कर सकते हो, अगर आप इस स्प्लिटर की बात करोगे तो एक टेलीफोन लाइन के लिए यूज होगा, जिसको आप टेलीफोन लाइन के लिए यूज करोगे। यहाँ पे आप बढ़िया एक टेलीफोन कैसे बनाते हैं, ऐसे करके कुछ बनाते हैं, आई डोंट नो कैसे बनाते हैं, लेकिन हाँ ऐसा टेलीफोन लाइन में लगा दिया गया, और ये कनेक्शन आप अपने घर से, मतलब घर के अंदर ही में कनेक्शन लिए और आपने लगा दिया इसको इंटरनेट के लिए अपने मॉडेम में। यहाँ पे आप अपने मॉडेम के अंदर इसको कनेक्शन को लगा देते हो। मॉडेम कायदे से ये होता है कि मॉडेम के बाद, मॉडेम उसको एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसको राउटर से कनेक्ट कर देते हैं, और राउटर से कनेक्ट हो गया तो राउटर से तो आप वायर लेके अपने कंप्यूटर में भी लगा सकते हो, और या फिर राउटर में जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है उस एक्सेस पॉइंट से आप वाईफाई से अपने कंप्यूटर तक इंटरनेट पहुंचा सकते हो। आजकल इतने अच्छे डिवाइस हैं कि राउटर प्लस मॉडेम दोनों एक ही डिवाइस में, डब्बे में आ जाता है। ये जो स्प्लिटर है ये भी ऐसा होता है कि कई बार कई जगह पे ऐसा होता है कि अगर आपके पास बाहर कनेक्शन नहीं है और आप अकेले ही हो उस पूरे कॉलोनी में जो इसको यूज कर रहे हो, तो फिर ये स्प्लिटर की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आपको आपके घर तक ये कनेक्शन दिया जाता है। ये क्लियर है क्या ये स्ट्रक्चर? यस सर। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि ये जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, जो बैंडविड्थ है, ये जो वायर है इसकी बैंडविड्थ काफी अच्छी रहती है, इसमें दोनों यूज कर सकते हैं, मतलब एक वायर में आपने थोड़ा सा परसेंट आपने यूज कर लिया टेलीफोन लाइंस को, और बाकी यूज कर लिया आपने इंटरनेट कनेक्शन के लिए। ये इस DSL का मेन पर्पस है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन का, ठीक है। जितना ही बैंडविड्थ बढ़ेगा उतना ही इंफॉर्मेशन, बैंडविड्थ के बढ़ने से इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर आप ब्रॉडबैंड की ही बात करोगे तो ब्रॉडबैंड में आपको मैं एक और चीज बता देता हूं, जो है सैटेलाइट के थ्रू भी अपन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसा आप लोगों को पता होगा कि सैटेलाइट से भी हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको, वो भी हम लोग जो फ्रीक्वेंसी बैंड्स होती है वो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड्स होती है, और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड्स गीगाहर्ट्ज में काम करती हैं। ये बहुत ह्यूज बैंडविड्थ होता है जो हम लोग यहाँ से कनेक्शन देते हैं। ओके तो ये समझ में आ रहा होगा ना कि सैटेलाइट ऊपर है, उसको अगर इंटरनेट की कनेक्शन चाहिए होगी तो वो कैसे प्रोवाइड करेगा, तो वो भी ब्रॉडबैंड यूज करेगा, लेकिन ये वायरलेस होता है उतना ही। तीसरा जो मैं आपको कनेक्शन बताना चाह रहा हूँ वो होता है ISDN,
जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ISDN का मतलब। देखो नाम में हर चीज छुपा रहता है, तो इसके नाम में आप देखो इंटीग्रेटेड सर्विस मतलब बहुत सारी सर्विस को इंटीग्रेट करके जो आपको कनेक्शन प्रोवाइड करे वो आपका ISDN नेटवर्क होता है। ISDN आपको मैं एक नॉर्मल एक डायग्राम दिखाता हूँ छोटू सा। देखो ये है आपका, दिख रहा है क्या, ये ओल्ड प्लेन टेलीफोन सर्विस है जिसको PSTN नेटवर्क कहते हैं, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, PSTN नेटवर्क, नाम सुने होंगे आप लोग। PSTN नेटवर्क में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आप जनरली एक घर में क्या करते हो, फोन भी यूज करते हो आप, कोई कंप्यूटर भी यूज करते हो, फोन को आप डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हो और कंप्यूटर को आप क्या करते हो मॉडेम के थ्रू कनेक्ट कर लेते हो एक सेंट्रल ऑफिस में जहाँ पे जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा। ये क्या करता है, ये आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। और इसका भी अगर आप देखो तो इसका खुद का एक बैकबोन नेटवर्क होगा जो ये पूरा नेटवर्क फैलाया होगा अपना। तो ये एक्चुअली एक नॉर्मल टेलीफोन नेटवर्क है जिसको अपन PSTN नेटवर्क बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कि पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। स्विचिंग के टेक्निक से यूज कर करके अपन ये टेक्निक को PSTN नेटवर्क बोलते हैं। लेकिन ISDN की अगर हम लोग बात करें जो इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है, इसमें क्या होता है, देखो आप फोन है आपको अलग प्रकार का एक सर्विस चाहिए तो आपको फैक्स भी आप यूज कर सकते हो, प्रिंटर, जो प्रकार का सर्विस है, आप वीडियो भेज सकते हो, ऑडियो भेज सकते हो, टेक्स्ट भेज सकते हो, सब को आप एक टर्मिनल अडाप्टर के साथ कनेक्ट कर लेते हो। जो ये सब सारे अलग अलग फॉर्मेट के डेटा हैं ये इसको एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है जिसको बोलते हैं ISDN फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, सारे डेटा को लेता है और ISDN फॉर्मेट में लेने के बाद ISDN ऑफिस में जमा करता है मतलब देता है। एंड देन फिर वो जहां से भी कनेक्शन लेना होता है वहां से या इंटरनेट प्रोवाइड करना है वहां से लेता है, फिर वापस दे के उसको प्रोवाइड करता है। ये एक नॉर्मल ISDN नेटवर्क है। एक सेकेंड आपको मैं बताता हूँ। तो ISDN के बारे में अगर आप ये बोलो कि ये एक कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड है, आपको कम्युनिकेशन करना है, आपको फाइल इधर से उधर करना है, इंटरनेट का मतलब ही ये होता है कि आप इधर से उधर चीजों को शेयर कर सको, तो ये कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स का एक बोल सकते हैं, ये कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है फॉर साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जो DSL वगैरह है उसमें अपन यूज करते हैं कि हम इंटरनेट और टेलीफोन यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको साइमल्टेनियसली आपको वॉइस, आपको इमेज, आपको टेक्स्ट, आपको वीडियो, जो भी प्रकार का सर्विस है उसको इंटीग्रेट करके अगर आपको भेजना है, मतलब आपके मैसेज में वॉइस भी है, इमेज भी, सब प्रकार के मैसेज हैं, वो सब प्रकार के मैसेज को आपको साइमल्टेनियस डिजिटल ट्रांसमिशन करना है, तो आपको एक सर्विस मिलेगा या आपको एक नेटवर्क लेना पड़ेगा, उस जो वो नेटवर्क कहलाएगा ISDN नेटवर्क। ISDN का मतलब ये है कि वो इंटीग्रेट करता है सारी सर्विसेज को ओवर डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। इसमें इसमें हुआ क्या आपको, जैसे मैंने आपको ये बताया कि जो ये डायग्राम के थ्रू था कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि डिजिटल सिग्नल हमेशा एनालॉग सिग्नल से अच्छे होते हैं, बहुत सारे उसके फायदेमंद हैं जो आप लोग शायद पढ़ते भी होंगे, जब डिजिटल सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आप लोग जानते होंगे कि डिजिटल एनालॉग से कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि 1980s में ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बना जो कि इम्प्रूव हुआ 1990s तक में, ये इम्प्रूव हुआ और ये कनेक्शन को, ये टाइप का नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया गया जिसको ISDN कहते हैं, जिसमें उनको लगा कि भैया हमको वॉइस भी ट्रांसमिट करना है, आपको फैक्स के डेटा भी ट्रांसमिट करना है, ऑडियो भी, वीडियो, सब प्रकार का डेटा आपको उनको ट्रांसमिट करना है, तो क्या ये पॉसिबल है एक ही नेटवर्क के थ्रू। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं अपन, एक काम करते हैं कि अपन एक इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं। तो इंटीग्रेटेड ये कुछ नहीं है, बस नाम है कि इंटीग्रेटेड ISDN नेटवर्क, मतलब सारे सर्विसेज को इंटीग्रेट करना ओवर अ डिजिटल नेटवर्क इज कॉल्ड एज ISDN नेटवर्क।
लेकिन आपको मैं इसके क्लासिफिकेशन बताता हूँ तो आपको शायद अच्छे से समझ में आएगा कि ये किस टाइप से काम करता है, क्योंकि ये जनरली एक घर के लिए या स्मॉल ऑफिस वगैरह के लिए इस्तेमाल हो सकता है, बाकी ज्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं होता। तो ISDN के दो ऑप्शन हैं यूज करने के, एक होता है BRI जिसको बोलते हैं बेसिक रेट इंटरफेस, और दूसरा होता है PRI प्राइमरी रेट इंटरफेस। डायग्राम है इसलिए मैं आपको यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो BRI होता है बेसिक बेसिक रेट इंटरफेस, ये जो ISDN का एक क्लासिफिकेशन है, इसमें होता क्या है, देखिए आप फोन यूज कर रहे हो, आप अपने घर में एक पूरा सेटअप या अपने आप छोटे से ऑफिस में पूरा सेटअप इस्तेमाल कर रहे हो, फैक्स भी, वर्क स्टेशन, हर चीज को जिसको इंटरनेट की जरूरत है, फैक्स को इंटरनेट की जरूरत है, फोन को जरूरत है, फोन को तो बात ही करना है, फैक्स को अपना डेटा भेजना है, वर्क स्टेशन को अपना डेटा भेजना है, तो आप एक अडाप्टर इस्तेमाल कर लेते हो जो उसको कन्वर्ट करेगा ISDN फॉर्मेट में। ये यहाँ पे एक अपन एक काम करते हैं, नेटवर्क टर्मिनेशन पॉइंट अपन डालते हैं। नेटवर्क टर्मिनेशन पॉइंट क्या करता है कि आपका जो कनेक्शन है उसको ISDN नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है, मतलब यहाँ से आप जो डेटा भेज रहे हो ISDN फॉर्मेट में है, मतलब सारे चीज इंटीग्रेटेड है, और इसको इंटीग्रेटेड सर्विस ISDN नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है, तो एक छोटा सा नेटवर्क टर्मिनेशन पॉइंट अपन लगाते हैं। यहाँ पे जब यह कनेक्शन जा रहा है ना, तो ये कनेक्शन ऐसा कनेक्शन होता है जिसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ये होता है कि ये जो वायर है, ये जो चैनल, इसको अपन माध्यम बोल सकते हैं, कि ये जो वायर है, ये वायर ऐसा होता है या इस तरीके से बनाया जाता है, इसका सेटिंग ऐसा होता है कि वो वायर में 2B+D का कॉन्सेप्ट होता है। 2B+D का मतलब ये होता है कि ये बी मतलब होता है बियरर चैनल, बियरर चैनल, और डी का मतलब होता है डेटा चैनल। लेकिन यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये डेटा चैनल डेटा को सपोर्ट नहीं करता, बियरर चैनल डेटा को सपोर्ट करता है जो आप भेजना चाहते हो। बियर का मतलब होता है बियर करना, मैंने ये चीज बियर कर ली, मतलब ये चीज को ढो लिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो सिंगल कनेक्शन है इसमें हम लोग ऐसा सेटअप करते हैं कि यहाँ पे दो ट्रैफिक जो है ना, इसके अंदर में जो आपका है, इसमें अपन दो बियरर चैनल लाते हैं, और जैसे एक बियरर चैनल है, एक बियरर चैनल और एक आपका डेटा चैनल है। बियरर चैनल की अगर अपन बात करें तो एक बियरर चैनल 64 KBPS को ही सपोर्ट करता है, इतना स्पीड वो सपोर्ट कर सकता है, ये भी 64 KBPS को सपोर्ट करेगा। आप समझ पा रहे होंगे कि एक जो चैनल है या लोकल लूप जिसको बोलते हैं, ये जो चैनल है इसको हम लोग ने क्या किया, इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइड करना है अपन को। तो इंटीग्रेट, सारे चीजों को इंटीग्रेट कैसे करें, अगर सबको एक साथ मिला देंगे तो फिर सब हॉचपॉच हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा, कोई समझ में तो आएगा नहीं। तो एक काम करते हैं, चैनल के अंदर ही अपन बांट लेते हैं कि भैया इस चैनल में बियरर जाएगा, इस चैनल में बियरर जाएगा, मतलब बियरर का मतलब मेन डेटा जो आप भेजना चाह रहे हो वो डेटा जाएगा, और इस चैनल में डेटा जाएगा, डेटा चैनल का मतलब ये है कि इसमें सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन जाएगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया है, कंट्रोल इंफॉर्मेशन या सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन, जो डेटा के बारे में होता है कि डेटा एक्चुअली क्या है, जो आप यहाँ पे ये बियरर में भेज रहे हो वो एक्चुअली किस पर्पस का है, या मतलब क्या चीज है, इसको अपन मेटा डेटा भी कहते हैं, कि डेटा अबाउट डेटा, उसको सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, वो डेटा चैनल के थ्रू जाता है। तो ये क्या होता है ना, जनरली छोटे होम के लिए यूज हो सकता है, क्योंकि होम में अपन क्या करते हैं, बहुत कम सामान यूज करते हैं, मान लो एक फैक्स यूज कर लिए और एक वर्क स्टेशन यूज कर लिए, दो को अपन बियरर चैनल में भेज दिया और उनके बारे में जो सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन है वो डेटा में भेज दिया, तो ये सिर्फ, और डेटा का स्पीड भी देखो आप कितना कम है, 64 KBPS। तो ये ISDN नेटवर्क जो इंटीग्रेट कर रहा है अलग अलग सर्विसेस को, वो अपन BRI वाला जो है वो अपन होम या फिर स्मॉल ऑफिस में यूज करते हैं। बोलो ये क्लियर है क्या? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, इतना तो बता दो। यस ये क्लियर नहीं है क्या? सर, कोई कुछ पूछ रहा है क्या?
यस सर, टू बी प्लस बी। हाँ, रुपेश बताओ। हेलो, हाँ बोलो। हाँ बोलो, प्लस डी वाला जो बताया, एक बार और बता दीजिए। माइक देखो, इसको मैं थोड़ा सा ना रबर से मिटा देता हूँ पहले, तो कचड़ा हो रखा है पूरा। देखो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आपको बेसिक ISDN नेटवर्क का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ऐसा डिजिटल नेटवर्क, कोई भी ऐसा डिजिटल नेटवर्क जो अलग अलग सर्विसेज को इंटीग्रेट कर सके, वो बन जाता है ISDN नेटवर्क। लेकिन ISDN के भी अपने क्लासिफिकेशन होते हैं, तो उसमें मैं सबसे पहला क्लासिफिकेशन आपको बताया कि BRI एक क्लासिफिकेशन होता है ISDN का। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है बेसिक रेट इंटरफेस। इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि 2B+D का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, देखो आप ये सबसे पहले तो आप ध्यान रखो कि ये स्मॉल ऑफिसेस या होम में यूज होता है। इसको क्यों यूज होता है, क्योंकि ये सिर्फ 2B+D का कॉन्सेप्ट चलाता है। मतलब कि देखो, अगर अपन एक घर में है, ये हमारा घर है, ये घर में हम लोग फोन यूज कर रहे हैं, फैक्स यूज कर रहे हैं, वर्क स्टेशन यूज कर रहे हैं, सबका अलग डेटा फॉर्मेट होता है। कंप्यूटर अपना डेटा फॉर्मेट डिजिटल फॉर्मेट में भेजेगा, फैक्स मान लो एनालॉग फॉर्म में भेज दिया, फोन भी एनालॉग। ये जाता है सबसे पहले टर्मिनल अडाप्टर के पास। टर्मिनल अडाप्टर क्या करता है, अलग अलग टाइप के उसको सिग्नल्स मिलते रहते हैं, तो वो एक ISDN फॉर्मेट में डेटा को बना के भेज देता है। अडाप्टर यही करेगा। अब यहाँ पे ये जाता है नेटवर्क टर्मिनेशन के पास। नेटवर्क टर्मिनेशन, अगर आप ध्यान दो तो नेटवर्क टर्मिनेशन क्या करता है कि यहाँ का जो चीज है उसको ISDN ऑफिस तक कनेक्ट करता है। मतलब एक ISDN नेटवर्क जो आगे होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ISDN ऑफिस, यहाँ तक वो उसको कनेक्ट करने में मदद करता है। ये नेटवर्क टर्मिनेशन का काम है। अब ये जो कनेक्ट करता है यहाँ पे, ये डेटा को लेके कैसे जाता है, इंफॉर्मेशन को लेके कैसे जाता है। जैसे अगर आप एक रोड की बात करो, एक आप हाईवे की बात करो, तो हाईवे में क्या करते हैं अपन, एक छोटा सा साइकिल चलाने के लिए एक बाजू में किनारे जगह छोड़ दिए, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर अपन छोटी गाड़ी चलाने के लिए जगह छोड़ दिए, फिर यहाँ पे बड़ी गाड़ी करने के लिए छोड़ दिए, ऐसा अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट था कि अलग अलग टाइप का सर्विस को इंटीग्रेट करना है, तो अपन क्या कर सकते हैं कि एक ही रोड में अलग अलग सर्विस चलाना है। एक ही रोड में साइकिल वाले भी चलेंगे, पैदल भी चलेगा, बड़ी बड़ी गाड़ी भी चलेगा, तो अपन एक काम करते हैं, डिवाइड कर देते हैं कि भैया तुम इतने में ही चलना, तुम इतने में चलना करके। तो उसको करने का एक कॉन्सेप्ट होगा कि किसी तरीके से तो करेंगे, तो इन्होंने डेवलप किया 2B+D। मतलब एक काम करते हैं, एक बियरर चैनल बना देते हैं, एक बियरर चैनल बना देते हैं और एक डेटा चैनल बना देते हैं। बियरर में आपका जो मेन डेटा होगा वो जाएगा, बियरर में मेन डेटा होगा वो जाएगा, और डेटा चैनल में वो इन ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, सिग्नलिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जाएगा, और ऐसे करके तीनों एक साथ जाते जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है 2B+D वाला। लेकिन 2B+D में आप लोगों को मैं बताया कि जो बियरर चैनल होगा उसका जो रेट है वो बहुत कम है। मतलब हर बियरर चैनल का जो रेट है वो 64 KBPS की वो ट्रैफिक ही बियर कर सकता है। और जो डेटा चैनल है वो, अगर आप बात करो तो डेटा चैनल तो और 16 KBPS ही उसको बियर कर पाता है। ठीक है, अभी क्लियर है क्या? यस सर। अब आपको मैं बताता हूं इसका दूसरा कनेक्शन, जिसको बोलते हैं PRI, जिसको है प्राइमरी रेट इंटरफेस। यही प्राइमरी रेट इंटरफेस ऐसा है जो आप बड़े बड़े बिजनेस वगैरह में ISDN का नेटवर्क लेते हैं ना, तो ये बिजनेस या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये PRI ही यूज होता है। ISDN का ये फॉर्मेट ही यूज होता है, PRI, प्राइमरी रेट इंटरफेस। इसमें क्या होता है कि देखो, आप नॉर्मल
फोन यूज कर रहे होते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्स हो गया, वर्कस्टेशन और जितने भी प्रकार को यूज कर रहे होते हो, उसको वापस टर्मिनल अडाप्टर के पास भेजा जाएगा। टर्मिनल अडाप्टर इसको नेटवर्क टर्मिनेशन 2 के पास भेजेगा। नेटवर्क टर्मिनेशन 2 कहलाता है मल्टीप्लेक्सर। ये मल्टीप्लेक्सर होता है, मल्टीप्लेक्सर जिनको नहीं मालूम उनको मैं बता देता हूँ कि लेट सपोज कि यहाँ एक कनेक्शन है, केबल कनेक्शन मान लो, यहाँ पे एक कनेक्शन है, यहाँ पे एक कनेक्शन है, सब में अलग अलग डेटा आ रहा है। हो सकता है इसमें भी कोई डेटा आ रहा हो, इसमें डेटा आ रहा हो, इसमें, ऐसे बहुत सारे कनेक्शन है और यहाँ पे एक सर्किट है, मान लो यहाँ पे एक यहाँ तक पहुंचना है, ISP तक पहुंचना है। तो अब एक काम करते हैं, अपन एक स्विच लगा देते हैं, स्विच, ठीक है, ये स्विच है और इसको हम लोग एक कनेक्शन दे देते हैं कि पहले एक टाइम पे वो इससे कनेक्ट होगा, फिर वो इस वाले से होगा, फिर इससे और फिर राउंड होके फिर इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे फिर इससे फिर राउंड होके इससे हो जाएगा। तो इस टाइप के डिवाइस को बोला जाता है मल्टीप्लेक्सर, कि एक ही जगह पे या एक अपन हर किसी को सुविधा देना, लेकिन अलग अलग टाइम पे अपन दे सकते हैं। जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लेक्स जाते हो गया सिनेमा हॉल, पहले एक सिनेमा हॉल हुआ करता था अगर आपको याद होगा, जैसे बिलासपुर में जी टॉकीज के नाम से अगर आप जानते होगे, तो जो सिनेमा हॉल होता था उसमें क्या होता था, एक ही टाइम पे एक ही पिक्चर दिखाई जाती थी। अगर आपको टिकट मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आप बाहर जाओ। लेकिन मल्टीप्लेक्स क्या किए, आपके सिनेमा हॉल के अंदर में 4 अलग अलग स्क्रीन रख दिए और बोले कि भैया मैं तो 2 बजे दिखाऊंगा, मैं 3 बजे, मैं 4 बजे, मैं हो सकता है 2:30 बजे दिखाऊंगा, और सब में अलग अलग पिक्चरें चल रही हैं। आपके पास सुविधा है कि आप अलग टाइम पे हो सकता है इसमें चले जाओ, हो सकता है इसमें चले जाओ। यही इसीलिए इसका नाम मल्टीप्लेक्स रखा गया। मल्टीप्लेक्सर यही करता है कि आपको सबको सुविधा दी जाए, लेकिन अलग अलग टाइम पे मिलेगा तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे नेटवर्क टर्मिनेशन 2 में मल्टीप्लेक्सर रखा जाता है। नेटवर्क टर्मिनेशन 1 आपको याद होगा कि यहाँ से जो डेटा आ रहा होगा उसको ISDN नेटवर्क तक कनेक्ट करने में नेटवर्क टर्मिनेशन 1 यूज होता है। यहाँ पे जो यूज होता है वो कॉन्सेप्ट है PRI का 23B+D, मतलब इसमें जो वायर जा रही होगी उसमें 23 बियरर चैनल के लिए सपोर्ट होगा, और हर बियरर चैनल है उसका जो स्पीड है वो बढ़ चुका है, वो 64 kbps स्पीड तक जा सकता है, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ ज्यादा रहती है, तो 64 kbps तक इसकी बियरर चैनल की नहीं, डेटा चैनल जो होता है उसकी जो स्पीड है ना, जो पहले आपको अगर याद होगा तो 16 kbps होती थी, अगर आपको शायद ध्यान होगा यहाँ पे लिखा हो, 16 kbps डेटा की स्पीड होती थी डेटा चैनल की, उसको बढ़ा दी गई क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ सिग्नल्स अब जा रहे हैं, तो ज्यादा नंबर ऑफ सिग्नल के लिए डेटा चैनल का भी स्पीड ज्यादा होना चाहिए, तो 64 kbps इसका स्पीड कर दिया गया। लेकिन एक ही डेटा चैनल है, 23 आपका बियरर चैनल मौजूद है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर आपको ध्यान मैं आपको दिलाना चाहूं ISDN नेटवर्क के लिए, तो ISDN को रिप्लेस किया गया ब्रॉडबैंड कनेक्शन के द्वारा, क्योंकि ब्रॉडबैंड कनेक्शन में भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कहीं पे बैकअप के लिए चाहिए या डेडिकेटेड लाइन चाहिए जहां पे ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, वहां पे आप ISDN सर्विस ले सकते हो, या फिर आपको बहुत सारी इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है तो वहां पे आप नॉर्मली ISDN सर्विसेज ले सकते हो, ठीक है। ये क्लियर है क्या? ठीक है, तो आई होप मैं आपको ये समझा पाया हूंगा कि ISP क्या होता है वो, दूसरी बात कितने प्रकार के ISP होते हैं वो, और तीसरी बात कितने प्रकार के ISP कनेक्शन होते हैं वो। इस प्रकार आपका जो थर्ड यूनिट का जो, अगर आपको सिलेबस ध्यान होगा, मैं आपको सिलेबस खोल के दिखाता हूँ, फ्यूचर स्किल ट्रेनिंग में सिलेबस एंड लेसन प्लान में साइबर सिक्योरिटी, अगर आपको ध्यान होगा तो ये देखो सिलेबस है, इसमें फर्स्ट यूनिट हो गया, सेकंड यूनिट पूरा हो गया, थर्ड यूनिट में हम लोग जा रहे हैं जिसमें बेसिक सर्विसेज यूज एंड प्रोवाइडेड बाय सारे लेयर्स है। तो अगर आपको मैं OSI मॉडल को अच्छे से समझाया हूँ यहाँ पे, तो आपको सारे लेयर्स का बेसिक सर्विसेस आपको पता होगा कि कौन से लेयर में क्या मेन काम करते हैं।
उसके बाद ये बोलता है टाइप्स ऑफ डिवाइसेस कंस्टिट्यूटिंग अ नेटवर्क। तो आपको नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में मैं काफी जानकारी फर्स्ट यूनिट में ही दिया था कि राउटर क्या होते हैं, स्विच क्या होते हैं वगैरह वगैरह, सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे यहाँ लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ ISP। तो अभी तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ISP आपको बताया। अब आपको मैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ इंटरनेट। तो इसमें आप लोगों को ये बताने की कोशिश है, इसमें लिखा हुआ है, अगर आपको एक चीज और दिखाता हूँ जो मिड टर्म वाला होगा, देखो यहाँ पे इनका जो सिलेबस आया ना टेक्यूब 3 जो मिड टर्म का है, इसमें जो टॉपिक दिया रहता है ना, जैसे यहाँ पे बेसिक सर्विसेज में अपन को पढ़ना क्या क्या है, वो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको OSI मॉडल के सातों लेयर को यूज और एप्लीकेशन पता होना चाहिए और OSI का शिपिंग मॉडल पता होना चाहिए। फिर दूसरा है टाइप्स ऑफ डिवाइसेस कंस्टिट्यूटिंग अ नेटवर्क, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो आपको पैकेट के बारे में जानकारी होना चाहिए, जो मैं आपको कल बताया नेटवर्क पैकेट्स के बारे में पूरा। स्विच क्या करता है, राउटर क्या करता है, मल्टीलेयर स्विच क्या करता है, स्विच का ही दूसरा फॉर्म मल्टीलेयर स्विच होता है, और ब्रिज क्या करता है। तो इसके अलावा भी मैं काफी चीज आपको बताया हूँ इसमें। और ISP में जो मैं आपको बताया कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ISP, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ISP और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ISP कनेक्शन। तो ऑलमोस्ट मैं आपको यहाँ पे कवर अप किया। ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ इंटरनेट में वो बोलता है कि आपको कंप्लीट विजुअलाइजेशन होना चाहिए एंड टू एंड ट्रांसमिशन फ्रॉम रिक्वेस्ट टू रिस्पॉन्स। मतलब कि इंटरनेट में जब हम लोग एक रिक्वेस्ट करते हैं और जब आप तक रिस्पॉन्स आता है, उसका विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। तो मैं अभी तक इंटरनेट के बारे में आपको पूरा यही चीज बताना चाह रहा था। इतने 20-22 घंटे हो गए हम लोगों को पढ़ते हुए, आपको मेरे ख्याल से ये विजुअलाइजेशन तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग इंटरनेट के माध्यम से हम लोग डेटा का आदान प्रदान करते हैं। इसमें भी 2% के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब आपको मेनली बताना है इसमें आगे के कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो लैंड मैन वैन भी आपको मैं बताया हूँ, लेकिन वर्चुअल जो प्राइवेट नेटवर्क है वो नहीं बताया हूँ, तो वो मैं आपको यहाँ पे जिक्र करूंगा। आपको राउटिंग फंडामेंटल्स जरूर बताना है कि राउटिंग एक्चुअली होता कैसे है। इसमें देखो यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट ये जो बताना है इसको वो आपको दिया हुआ है, तो आपको ये एरिया मेरे को कवर करना है राउटिंग फंडामेंटल्स। आपको मेरे को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में जानकारी देना है। होप मैंने लैंड मैन वैन आपको पहले ही बता चुका है, जो आप लोगों को जानकारी होगा। और इस चैप्टर में ये है साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव कॉरस्पॉन्डिंग टू अबव मेंशन टॉपिक। तो इसमें आपको ये बोल रहा है कि नॉलेज होना चाहिए जोन्स का, टोपोलॉजी का। तो टोपोलॉजी तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मैंने कवर अप करा दिया है। DMZ, NAT, PAT, ACL और ये जो रिवर्स प्रॉक्सी होते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, वो आपको बताना है। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ, मतलब स्विच, राउटर और ACL जो होते हैं उसकी फिजिकल सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमको समझना है। तो ये आगे के जो चैप्टर है, मतलब जो इस चैप्टर में आगे के टॉपिक है वो हम लोगों को करना है। अच्छा, मैं आपको ये साफ ये भी बता देता हूँ, देखो मॉड्यूल 3 में आपको हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में वर्णन है, जो कि शायद मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर वाले चैप्टर में ही आपको काफी कुछ मैं बता चुका हूँ। अगर आपको ध्यान होगा तो SSL भी या TLS का कॉन्सेप्ट भी बताया था कि ये कैसे यूज होता है। तो बहुत सारा चीज इसमें मैं कुछ कुछ चीजें कवर अप करते जा रहा हूँ और कुछ कुछ चीजें लाइन बाय लाइन होगा। तो ये क्लियर है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्योंकि अभी ना 2:30 बजे से ही क्लास है, तो मैं अभी लंबा नहीं लेता और वैसे भी भूख भी लग रही होगी सबको। तो आज अपन 1.5 घंटे की क्लास लेते हैं, क्योंकि हाँ लगभग 1:30 तो बजने वाला है। फिर मिलेंगे अपन, अगर कल अपनी ऐसे ही क्लास हो पाई तो अपन कल भी सुबह ही मिलेंगे लगभग 12 बजे के करीब। ठीक है, अच्छा रुक जाओ 2 मिनट, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। अटेंडेंस आ गया। ठीक है, आप लोग जा सकते हो। टाटा बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। ओके बाय बाय। स्टे सेफ सर।